दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो भी आपको जानकारी दी गई है ये बहुत ही सटीक है। ये मैंने WHO साइट से लिया हुआ है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनके वेबसाइट से जो भी मेरे को जानकारी थी मैंने आपको वो बताया है। तो जो आपको इसके ऊपर आप पूरा आप ये कर सकते हो। नोवल कोरोना वायरस आज से 31 तारीख तक सारे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी एंड जो भी मॉल है जो भी थिएटर है सारा गवर्नमेंट द्वारा बंद कर दिया गया है। इसके पीछे एक रीज़न है, जो एक वायरस आया हुआ है कोरोना वायरस, इसको फैलने से रोकने के लिए। तो दोस्तों एक कोरोना वायरस के बारे में काफ़ी सारे अपने न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े रहेंगे, काफ़ी सारे मीडिया में अपने पढ़ा रहेगा, बट इसके अंदर ना आपको इसके जानकारी से ज़्यादा आपको इसके अंदर कन्फ्यूजिंग क्रिएट हुआ है। तो ये जो वीडियो है ना दोस्तों, ये वीडियो बनाने के मेरे पीछे एक रीज़न है कि वीडियो के अंदर आपको जो सारा चीज़ आपको एक वीडियो में पता चले, ताकि आपको इसको थोड़ा सा फॉलो करो और थोड़ा सा सेफ रहो। तो पहले हम लोग ना कोरोना वायरस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कोरोना वायरस है क्या, ये कहाँ से आया और ये इसका उपचार क्या है, इसका क्या दवाई आया है या क्या इसके बारे में बाकी का जो चीज़ें हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं कोरोना वायरस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हो ये कोरोना वायरस का जो ये देखिए, फिर इसके आगे हम लोग आगे चलते हैं। कोरोना वायरस का जो शेप है वो शेप आपको जैसे अपना क्राउन रहता है, क्राउन की तरह दिखेगा, इसलिए इसको कोरोना कहा गया। कोरोना मीन्स क्राउन है। तो ये जो कोरोना वायरस है नया नहीं है दोस्तों, इसके पहले भी कोरोना वायरस अपना आ चुका है। इसका जो पहली बार इंसानों में पाया गया था ये 1960 में पाया गया था। उसके बाद अपना अगर मैं बोलूँगा तो दो अपना जानलेवा वायरसेस आए थे कोरोना के ऊपर। एक अपना SARS था और दूसरा था MERS। SARS तो अपना जो बैट से द्वारा फैला था, फिर इंसानों में फैला, जिससे 700 लोग से ज़्यादा लोगों की दुनिया भर में मौत हुई थी। दूसरा जो था MERS था, तो उसके अंदर जो था जो अपना नॉर्मली बैट से ऊँट में फैला, ऊँट से बिल्ली में, बिल्ली से इंसानों में। तो दोस्तों इसके अंदर जो लक्षण होते हैं निमोनिया जैसे ही होते हैं, तो इसके अंदर नॉर्मल फ्लू में भी मतलब जो होता है वैसे ही आपको इसके अंदर होता है, बट ये फैलता बहुत जल्दी है। नॉर्मल फ्लू फैलता नहीं है, बट ये जो फैलता है एक दूसरे से फटाफट फैलता है, इसलिए थोड़ा जानलेवा है। इसका भी जो अगर मैं डेथ का परसेंटेज बोलूँ तो 0.2% ही, 1,000 में 2 लोगों की इसके अंदर मौत हो सकती है, वो भी उसके इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर। बट इसके अंदर फैलने से अगर हमारे पास इतनी बड़ी जनसंख्या है तो उसका भी जो ये रहेगा बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए दोस्तों जैसे आपने कोरोना वायरस के बारे में देखा, कोरोना वायरस जो आया है ये चाइना के वुहान सिटी से आया है, जहाँ पे जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो ये एक अपना फ़िश मार्केट है या जो अपना सी फूड मार्केट है वुहान सिटी के अंदर, वहाँ से आया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इस फिश मार्केट से आया है, बट कुछ मीडिया और कुछ अपना ये लोग ये भी चीज़ दावा कर रहे हैं कि वुहान सिटी में एक अपना इनका लैब है, जो चाइना में वुहान सिटी में के अंदर एक लैब है, उस लैब में चमगादड़ के ऊपर अपना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जहाँ पे 605 के ऊपर चमगादड़ वहाँ पे थे, उसमें से कुछ चमगादड़ निकल गए, जो वहाँ पे जो लैब टेक्नीशियंस थे या जो डॉक्टर्स थे उनके ऊपर हमला किया, उसके बाद जो अपना जो बाहर चले गए जो चमगादड़ उससे फैला हुआ है। और इसके अलावा जैसे चाइना में अपना जो चमगादड़ का सूप भी काफ़ी अपना काफ़ी सारे होटल्स में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स में वहाँ पे सर्व किया जाता है, तो वहाँ उससे भी फैला हुआ कहा जा रहा है। तो शुरू कैसे हुआ, वुहान सिटी के आजू बाजू में जो सी फूड मार्केट है वहाँ के आजू बाजू में जो लोग रहे वो अचानक से बीमार पड़ने लगे। तो जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो उससे उनको जब उनका टेस्ट किया गया तो डॉक्टर ली थे उन्होंने ये वायरस का उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ऐसा कुछ वायरस है जिसके चलते लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो उन्होंने इसकी जानकारी अपना जैसे चाइना गवर्नमेंट ने इसको जानकारी अपने इसको बताने से मना किया, बट तुरंत अपना उनका एक अपना स्क्रीनशॉट था जो वायरल हो गया। वायरल होने से ये लोगों में पता चलने लगा चाइना में, तो धीरे धीरे बट चाइना गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी छुपाने की कोशिश की। तो ये जो शुरुआत हुए थे इन दिसंबर, ठीक है, उसके बाद से वो फैलते 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 इन फेब्रुअरी मंथ ये अपना US में चला गया, यहाँ से इटली एंड जो अपना दुनिया के 70 कंट्रीज़ में चीज़ फैल गया है। हिंदुस्तान में भी है, हिंदुस्तान में जैसे मैंने आपको बताया है कि जो आपके स्कूल कॉलेजेस सारा चीज़ बंद कर दिया गया ड्यू टू दिस रीज़न। तो ये वायरस का काफ़ी प्रकोप बोल सकते हो, ये सारा प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इससे आप बचे कैसे, कोरोना वायरस से बचने के लिए अभी तक कोई दवाई कोई मेडिटेशन कुछ इसके अंदर है ही नहीं। जो चाइना में भी वुहान सिटी में बाकी सब जगह पे रख रहे हैं वहाँ पे नॉर्मल फ्लू का मेडिसिन एंड जो खांसी का एंड गला ख़राब होने का मेडिसिन एंड किडनी का मेडिसिन वो लोग दे रहे हैं उसके ऊपर वहाँ पे रख रहे हैं। इसमें से काफ़ी लोग ठीक भी हो गए जिसका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है तो वायरस से
आपको इफेक्ट कम होएगा। बट हाँ, जो बच्चे होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो उनको ये जल्दी अपना अपने कब्ज़े में ले सकता है। तो आप उसका ध्यान रखें। और इसके अंदर कुछ आपको सब जगह पे ट्रेन्स में आप देखोगे, कहाँ पे आपको पोस्टर्स है, अनाउंसमेंट्स है, आप बस में सारी जगह पब्लिक जगह पे ना ये अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं कि इससे कब कैसे बचे। तो इसके बचने के लिए एकदम सिंपल है कि आपका जो हाथ है इसको आप अच्छे तरह से धोए, इसको 20 सेकंड तक धोने की उन्होंने सलाह दी है कि हर फ्रीक्वेंटली आप हाथ धोते रहे 20 सेकंड तक। और जो आपका साबुन है या हैंड वॉश है उससे हाथ धो सकते हो। और सैनिटाइज़र यूज़ करते हो, सैनिटाइज़र यूज़ करने के लिए जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र है आप उसको यूज़ कर सकते हो, उसको यूज़ करके भी आप हाथ को ये रख सकते हो। मास्क पहनना उतना ज़रूरी नहीं है। मास्क अगर आप, आपको कुछ सर्दी है, खांसी है, फ्लू है, आपको ऐसा कुछ लक्षण आपके अंदर दिख रहे हैं, तो आप मास्क ज़रूर पहने तो आपसे दूसरे में ना उसको स्प्रेड हो। तो आप इधर मेरे पीछे देख रहे हो कि ये स्प्रेड कैसे होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। इसमें अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उससे संपर्क में ना आए। अगर वो आपसे हाथ मिलाता है तो हाथ से आपके हाथ में आ सकता है। अगर वो छींकता है तो आपके पास छींक से आपके पास वो वायरस आ सकता है। इसलिए आप 1 मीटर की दूरी बनाए रखें एक हाथ से दूसरे हाथ। फिर वो आप अपना जैसे ही आपके आँख में, अपना नाक में या मुँह में आप हाथ अपना लेके जाओगे, उससे आप जैसे आपने देखा है एक दूसरे से कैसे स्प्रेड होता है, तो इससे बचें। इससे इसके अलावा दोस्तों आप नॉर्मली जो पब्लिक प्लेसेस है उसमें थोड़ा जाना अवॉइड करें, जैसे मॉल्स हो गया, थिएटर हो गया, जहाँ पे आपको पब्लिक का जमावड़ा है वहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करें। इसका ये बहुत सारे मिथ भी है, वो मिथ के बारे में भी हम लोग एक एक करके बात कर लेंगे, तो इसको फॉलो ना करें। नॉनवेज खाने से कोरोना वायरस फैलता है, दोस्तों एकदम गलत है, ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई। आप नॉनवेज खा सकते हो बट थोड़ा सा ज़्यादा उसको बॉयल करके खाइए। कोल्ड वेदर से कोरोना वायरस या ठंडी से कोरोना वायरस मर जाता है, तो एकदम ये भी अपना गलत है। तो आप ठंडी में आप खुद बीमार पड़ेंगे बट कोरोना वायरस नहीं मरेगा। अल्कोहल या क्लोरीन बॉडी पे छिड़कने से कोरोना वायरस मर जाता है, दोस्तों इससे स्किन में इरिटेटिंग होगी बट आपका कोरोना वायरस मरेगा नहीं, कोरोना वायरस आपके अंदर होता है। अल्कोहल कंजप्शन से कोरोना वायरस आपका मर सकता है, तो दोस्तों अल्कोहल कंजप्शन से कोई कोरोना वायरस मरता नहीं है, ये भी एक मिथ है। फ्रिक्वेंटली सेलाइन वाटर नाक में डालने से कोरोना वायरस नहीं होता है, तो दोस्तों ऐसा कोई होता नहीं है। सेलाइन वाटर डालेंगे तो आपका नाक बंद हो जाएगा, कोरोना वायरस नहीं मरेगा। गार्लिक खाने से कोरोना वायरस मर जाता है, तो दोस्तों ऐसी भी कोई पुष्टि अभी तक हुई नहीं है गार्लिक खाने से कोरोना वायरस मर जाता है बोल के। कोरोना वायरस सिर्फ बूढ़ों और बच्चों को होता है, ऐसा नहीं है दोस्तों, कोरोना वायरस किसी को भी हो सकता है। आपका इम्यूनिटी सिस्टम अगर वीक रहेगा तो कोरोना वायरस आपको ज़्यादा होगा, इसके लिए आपका सेहत का ख्याल रखें। एंटीबायोटिक से कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, एंटीबायोटिक से वायरस का ट्रीटमेंट नहीं होता है, ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबायोटिक होता है, तो ये भी एक मिथ है। गर्म पानी से नहाने से, गर्म पानी के नहाने से कोरोना वायरस आपका मर जाता है, तो दोस्तों ये भी एक अपना मिथ है। गर्म पानी से आपका जो स्किन है वो ख़राब होएगा बट कोरोना वायरस नहीं मरेगा। फ्लू शॉट्स या आप फ्लू की वैक्सीन लेंगे तो कोरोना वायरस नहीं होएगा, तो ये भी एक मिथ है दोस्तों। फ्लू और कोरोना वायरस का कुछ भी अपना ये नहीं है। हैंड ड्रायर से कोरोना वायरस को मार सकते हो, तो दोस्तों हैंड ड्रायर से कोरोना वायरस नहीं मरता है, कोरोना वायरस आपके अंदर चला जाता है, तो फिर आपका हैंड ड्रायर कुछ काम का नहीं है। अल्ट्रा वायलेट से कोरोना वायरस मर सकता है, तो दोस्तों ये भी एक मिथ है। अल्ट्रा वायलेट से आपका स्किन इरिटेट होएगा, स्किन आपका रैशेस होएगा, उसमें कोरोना वायरस नहीं मरेगा। कोई क्षतिक दवाई जो कोरोना वायरस को अपना रोक सकता है, तो दोस्तों अभी तक कोई ऐसी दवाई निकली नहीं है जो कोरोना वायरस को ट्रीट कर सके, जब निकलेगा तो आपको अपने आप पता चलेगा। तो दोस्तों आपको लगा रहेगा जो इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दी या आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा, तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दें। अगर आपके जो भी परिवार के लोग हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे वीडियो शेयर करें, उनको बताएं इसके बारे में। उसका ध्यान रखें, सुरक्षित रहे और देखते रहिए प्रदीप बैनर्जी ट्रैवल ब्लॉग। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मैं प्रदीप बैनर्जी, आप अपना ख्याल रखें, गुड बाय।